अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सजग है, तो वहीं रेलवे पुलिस ने भी कमर कस ली है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर जहां सभी सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, तो वहीं अयोध्या धाम स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे स्टेशन पर कमांडोज के जवानों की तैनाती की है। पत्रकारों से बात करते हुए आरपीएफ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के अलावा जीआरपी व सिटी पुलिस से समन्वय स्थापित कर व्यापक फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगभग 500 के करीब जवान यहां ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा, अयोध्या धाम स्टेशन पर जो पैसेंजर आ रहे हैं उनका बैग स्कैनर व प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट में बैरिकेडिंग क्यों बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो। स्टेशन पे सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें आरपीएफ, जीआरपी और सिटी पुलिस से समन्वय कर व्यापक डिप्लॉयमेंट लगाया गया है। पहले स्तर पे तकरीबन 500 से ज़्यादा आरपीएफ के जवान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा, हमने सभी पैसेंजर्स जो भी अयोध्या धाम जंक्शन पे आ रहे हैं, हमने उनका बैगेज स्कैनर और चेकिंग के बाद ही हम उनको स्टेशन में प्रवेश दे रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट और क्यू के लिए हमने जगह जगह बैरिकेडिंग और क्यू मैनेजर्स लगाए हैं, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे फुट ओवर ब्रिज हैं, उस पर डायरेक्शंस को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो किया गया है, मतलब उस पर यात्री एक ही दिशा में आ जा सकता है, ताकि भगदड़ के और स्टैम्पीड के कोई इश्यूज ना रहें। बाकी इसके बाद रेलवे प्रशासन के साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आती है उसका कभी भी प्लेटफॉर्म चेंज ना किया जाए। तो इन सब चीज़ों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और व्यापक बनाने के लिए हमने हर प्रयास किए हैं। जी, क्राउड को देखते हुए, क्योंकि अभी 22 तारीख को जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद से लगातार भीड़ आ रही है और इसमें काफ़ी शेयर रेलवे के थ्रू आ रहा है, तो हमने स्टेशन को एक तरह से नो व्हीकल जोन बनाया है, ताकि जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हमने सबसे छोटा रास्ता जो श्रीराम हॉस्पिटल से मंदिर की तरफ है, उसको चुना है एग्जिट के लिए, ताकि श्रद्धालु यहाँ से आसानी से अपना सामान रखकर और श्री प्रभु श्रीराम के दर्शन कर सकें। और आने वाली रामनवमी तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, और जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है और उसको देखते हुए और दिन प्रतिदिन चेंजेस किए जा रहे हैं, प्रबंध किए जा रहे हैं, ट्रैफिक की रेगुलेशंस चेंज की जा रही हैं दिन प्रतिदिन, जो जिला प्रशासन के अनुरूप किया जा रहा है। सर, कितने यहाँ पे तकरीबन आरपीएफ के 500 मैन पावर हैं। हर स्टेशन पे एक सीओ लेवल के अधिकारी मौजूद हैं। चारों स्टेशन जो दर्शन नगर, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम और सलारपुर, ये चार स्टेशन हैं रेलवे के, इन पे हर स्टेशन पे एक सीओ रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा श्वान दस्ते और जो कोरस कमांडो है रेलवे की, जो एलीट कमांडो फोर्स है, उसको भी यहाँ तैनात किया गया है। बिल्कुल, जो ट्रेनों की संख्या है, जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और जो हमारी नियर ट्रेन चल रही हैं, दोनों की पूरी प्लानिंग रेलवे बोर्ड लेवल तक की गई है। बहुत हायर लेवल पे इसका डिस्कशन किया गया है और उसके बाद इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक एक चीज़ की प्लानिंग की गई है, और जिससे ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी यात्री को कोई भी सुरक्षा और संरक्षा रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।